हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ इस टाइम पे, और मायके आते ही अगले ही दिन मैं चली गई शॉपिंग। तो सबसे पहले हम गए जूडियो, और जूडियो में हमने लिया धृति के लिए एक पैंट, चार टॉप। काफ़ी अच्छा स्टॉक आया हुआ था, तो मैं मेरे पापा और अपनी बेटी के साथ गई थी वहाँ पर, और मेरी बेटी काफ़ी इंजॉय कर रही थी वहाँ पर। ऐसा ना सिर्फ मायके में ही हो सकता है कि आप तुरंत आ रहे हो और उसके बाद आप शॉपिंग करने जाओ या घूमने चले जाओ, क्योंकि ससुराल में तो ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ से जो लेना था वो अब हम ले चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ रेड टेप में आए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे पापा ने मुझे एक शूज़ दिलाया, एक जैकेट दिलाया, और जूडियो में भी जो शॉपिंग की थी वो मेरे पापा ने ही कराई। धृति के साइज़ के यहाँ पे शूज़ नहीं है, वरना उसके लिए भी मैं यहाँ से शूज़ ले देती, क्योंकि यहाँ के शूज़ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद हम यहाँ से निकल कर गए ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स में किया हमने बहुत जम के शॉपिंग अपने लिए नहीं, धृति के लिए। और यहाँ से लिया धृति के लिए 3 स्वेटर, 1 जैकेट और 1 फर वाला जैकेट। और यहाँ की भी शॉपिंग पापा ने कराई। आज पता नहीं क्यों पापा बहुत खुश है, बोले जा रहे हैं ये भी ले लो, वो भी ले लो, जो पसंद है सब ले लो। धृति यहाँ पर बचकानी हरकतें कर रही है, और इतनी ज़्यादा बचकानी हरकतें करके इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है कि सब लोग उसको ही देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। धृति ने जो जैकेट पहना है ये भी उसके नाना ने ही दिया था, पर उसके नाना ने ये दिसंबर में ख़रीदा था जब वो यहाँ पर नई थी। और क्योंकि हम आ जाएँ तो आज जो भी 5 वूलन्स इसके लिए ख़रीदे गए हैं वो एकदम साइज़ के ख़रीदे गए हैं। एक तो लेडीज़ थी वो बोल रही थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ओवर साइज़ का जब जैकेट वगैरह पहनते हैं, स्वेटर, तो बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। हे गाइस, तो मैं शॉपिंग करके आ चुकी हूँ, और पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करवाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा बैग है शॉपिंग के, और मैं इतनी सारी शॉपिंग करके अभी आई ही थी कि मेरी बहन ने कहा कि चलो पार्लर चलते हैं, थ्रेडिंग करा लेते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी भी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो चलो चलते हैं। फिर रास्ते में मैक्स दिखा तो मैक्स रुक गए वहाँ पे। मेरी बहन ने एक टॉप खरीदा, वुलन टॉप खरीदा, काफ़ी प्यारा टॉप था उसका। और यहाँ से हम पहुँचे छाया, वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी हमें, और एक सूट की दुकान दिखी थी, तो हमने मम्मी के लिए वहाँ से एक वुलन सूट भी ले लिया। और पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी, मैं कुछ खाना पीना चाहती थी, तो हम चले गए मिस्टर सैंडविच, और मिस्टर सैंडविच में हमने सैंडविच खाया। यहाँ की सैंडविच काफ़ी अच्छी थी, हमने जो ऑर्डर किया था वो था कुछ पनीर तंदूरी सैंडविच करके, ऐसे था कि टिक्का था, याद नहीं आ रहा। और मेरी बहन ने ली कॉफ़ी और मैंने ली शेक। सैंडविच खाने के बाद मुझे मेरे पेट में लगा कि थोड़ी और जगह है, तो मैंने मोमोज़ ऑर्डर कर दिए। और मोमोज़ जिस तरीके से हमें मिले वो बहुत सुंदर दिख रहा था, ये जिस तरीके से जिस भी कंटेनर में दिया है, लेकिन मोमोज़ टेस्ट में बहुत वाहियात था, बहुत ज़्यादा ऑयली था, और इसको खा के हमें अच्छी अच्छी फीलिंग नहीं आई। इसके बाद मैं पहुंची घर, और मैं देखना चाहती थी कि घर में जो है मेरी बेटी मुझे इतने टाइम से नहीं देखी, तो कैसे रिएक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।